प्रियांशु भाई भी भीग गए हैं, बारिश में बैग भी भीग गया है। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, ये देखिए गाइस मजा आ रहा है मौसम का पूरा। तो गाइस देखिए कितनी तेज बारिश आ गई है, और सामने देखिए बंदर भी बेचारा भीग रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 05000 यानी कि 05000 शामली दिल्ली पैसेंजर में। तो गाइस ये ट्रेन शामली से सुबह 4:10 पर चलती है, और बड़ोस से यह ट्रेन सुबह 5:11 पर चलती है। तो आज की जर्नी इसी में करेंगे हम, तो बने रहिए गाइस, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये प्रियांशु भाई ट्रेन को देख रहे हैं कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पहुँच गई भाई? बावली पहुँच गई है, बावली पहुँच चुकी है। गाइस आ चुकी है अपनी ट्रेन, अब एंटर करेंगे। तो गाइस पूरी खाली पड़ी है ट्रेन, देखो तो पूरा मजा आएगा इस गर्मी में, प्रियांश भी आएगा। तो गाइस इस ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन रोजाना शामली रेलवे स्टेशन से सुबह 4:10 पर निकलती है, और गाइस दिल्ली पहुंच जाती है सुबह 7:48 पर। तो यह एक डेली पैसेंजर ट्रेन है गाइस, अगर आप इससे ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस समय आपको सुबह के समय पूरी ट्रेन खाली मिलेगी, यहाँ पर सीट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए आप, पूरी ट्रेन खाली है आपके सामने। यहाँ समय हो चुका है अब सुबह 5:11, और अपनी ट्रेन जो है डिपार्चर हो चुकी है बड़ौद रेलवे स्टेशन से। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आई है ट्रेन आज। गाइस अगर आप सुबह जल्दी निकलना चाहते हैं दिल्ली के लिए तो यह ट्रेन बिल्कुल बढ़िया रहेगी आपके लिए। ये देखिए बड़ौद स्टेशन जाता हुआ यहाँ से। गाइस बड़ौद से चलने के बाद ये पहला स्टॉपेज है बड़का स्टेशन, तो अभी काफ़ी मरम्मत का काम चल रहा है यहाँ स्टेशन पर। तो गाइस समय हो चुका है सुबह 5:16, और अपनी ट्रेन जो है बड़का स्टेशन से डिपार्चर हो चुकी है। तो गाइस सुबह सुबह का ये नज़ारा है,
गाइस ये आ चुका है अलावलपुर स्टेशन। गाइस देखें यहाँ पर चार्जिंग की पोर्ट अवेलेबल है आपको, और एक साइड भी है। तो गाइस समय हो चुका है 5:22 और ये ट्रेन चल रही है अलावलपुर इदरीसपुर से। तो गाइस सुबह सुबह का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है और आप जल्दी निकलना चाहते हैं। खास करके गर्मी का मौसम प्रियांशु भाई। और अब हम पहुंच चुके हैं हम सूजरा रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों आज हम रेडफोर्ट जाएंगे और पिछली वीडियो में हम जू में गए थे, वहाँ पर बहुत मज़ा आया था, तो आज फिर से दिल्ली जाएंगे, आज रेडफोर्ट घूमेंगे। चलो तो भाई इस ट्रेन में आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है, तो अभी इसको चेक भी करते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है या नहीं। चार्ज करके देखते हैं अपने फ़ोन को कि चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। गाइस मैंने अपना चार्जर लगा के चेक कर लिया है, चार्जिंग तो चल रही है दोस्तों। और अब मैं आपको बताऊंगा कि चार्जिंग की स्पीड क्या रही है हमारी, स्लो चार्जिंग हुई है या फास्ट चार्जिंग हुई है, तो उसका भी पूरा रिव्यू आपको दूंगा मैं इस वीडियो में, बने रहिए आप आगे। तो गाइस ये देखिए अपनी चार्जिंग पर लगा हुआ है अपना फ़ोन, और बताऊँगा आपको कि किस तरह की चार्जिंग स्पीड क्या रही है, धीरे धीरे चार्ज हुआ है फास्ट चार्जिंग हुई है, वो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी क्योंकि जो हम ट्रैवल करते हैं हमें पता है इस चीज़ का कि स्लो चार्जिंग में कितनी दिक्कत होती है। और ये अपना जो है बागपत रोड रेलवे स्टेशन यहाँ पर आ चुका है, बागपत रोड स्टेशन पर पहुँच चुकी है अभी ट्रेन। मंगल
गाइज मैंने 20 वाले पोर्ट पर चार्जिंग की थी, लेकिन बहुत ही स्लो चार्जिंग है। मतलब मेरा 1% जो है मेरा इंक्रीज नहीं हुआ बैटरी का। तो गाइज मैंने हटा दिया है चार्जर, बहुत ही स्लो है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है इसका लगाने का। तो गाइज अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अहेड़ा रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर इसका स्टॉपेज रहेगा 30 सेकंड का। तो गाइज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है अब। और समय हो चुका है सुबह 5:44 और अपनी ट्रेन अहेड़ा रेलवे स्टेशन को डिपार्चर कर चुकी है। धीमी धीमी बारिश के साथ अपनी ट्रेन भी यहाँ से चलती हुई। तो गाइस पिछली बार हम दिल्ली जू में गए थे तो उस दिन भी काफ़ी बारिश हो रही थी, और आज हम लाल किले में जा रहे हैं तो आज भी फिर से जो है बारिश आ चुकी है। तो जब भी हम घूमने का प्लान बनाते हैं तो बारिश ज़रूर हो रही है, और आगे देखते हैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे। और सभी जगह के व्लॉग आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही ट्रैवलिंग की वीडियो आपको मिलती रहेगी और नई नई प्लेसेस पर आपको हम घुमाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर अहेड़ा से निकल चुकी है ट्रेन, और ये कॉलेज है यहाँ पर अहेड़ा में। इसका भी व्यू काफ़ी शानदार आता है। देखिए बारिश में अपनी सीट भी भीग गई है, थोड़ा सा साइड में होना पड़ेगा अब हमें। प्रियांशु भाई भी भीग गए हैं बारिश में, बैग भी भीग गया है। थोड़ी थोड़ी तेज होने लगी है बारिश, जैसे जैसे दिल्ली की ओर जा रहे हैं हम ऐसी बारिश भी तेज हो रही है। और प्रियांशु उस दिन भी बारिश हो रही थी, उस दिन हम गए थे उस दिन भी बारिश हो रही थी। तो गाइस दिल्ली में तो अगर आपको जाना है तो मेट्रो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमने बस में पिछली बार ट्रैवल किया था बहुत परेशान हुए हम बस में, और किराए में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-10 रुपये का अंतर आता है। तो मैं तो कहूँगा आपको दिल्ली मेट्रो से ही ट्रैवल करो आप जब भी जा रहे हो घूमने के लिए दिल्ली। तो गाइज अभी इस रूट पर दिल्ली शामली वाले रूट पर 2 ट्रेन बची हैं बस, जो कि स्लीपर डिब्बे चलते हैं जिसमें क्यों प्रियांशु। तो दोस्तों यहाँ पर स्लीपर ट्रेन के सिर्फ 2 डिब्बे बचे हुए हैं, और सब यहाँ ट्रेन 2 ट्रेन बच रही हैं स्लीपर की। स्लीपर की 2 ट्रेन बची, एक तो सुबह 5 वाली 05,000 और एक दूसरी ट्रेन है जो हरिद्वार वाली, जो हरिद्वार जाती है। तो गाइज जो हरिद्वार जाती है बड़ौता जाती है 11:50 पर। तो गाइस उसकी फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं जब हरिद्वार गया था तो उसी ट्रेन से गया था, और उस ट्रेन का नंबर भी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस ट्रेन का। तो वो भी अच्छी ट्रेन है, अगर आप दिन के समय ट्रैवल करना चाहते हैं या हरिद्वार जाना चाहते हैं, और अगर रात के समय ट्रैवल करना चाहते हैं तो योगनगर ऋषिकेश एक्सप्रेस है जो सुबह 4 या 4:30 बजे आ जाती है बड़ौत रेलवे स्टेशन पर। तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसकी मैंने बना रखी है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे
इस रूट पर मेमू ट्रेन चली हुई है, डेमू ट्रेन और मेमू ट्रेन, और जो स्लीपर ट्रेन है केवल दो बची हैं, और हो सकता है कि इन्हें भी आने वाले टाइम में इन्हें भी हटा दिया जाए। गाइस ये देखिए केकड़ा वाला हाईवे आ चुका है, और ये हाईवे आपको सीधा दुहई जो है गाजियाबाद में है, दुहई में जाकर ये लिंक हो जाता है मेरठ रोड से, दिल्ली मेरठ रोड से। और इस हाईवे पर केवल जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं जैसे ट्रक वगैरह, बड़े ट्रक, केवल वे ही अलाउड है इस पर, और कोई व्हीकल अलाउड नहीं है चलाने के लिए। तो गाइस एक बार मैं आया था दुबई से यहाँ पर लिफ्ट लेकर, इस ट्रक में लिफ्ट लेकर इधर से आया था मैं, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और दोस्त इधर आप देखिए खेकड़ा स्टेशन आने वाला है, तो गाइस ये देखिए गाइस 6 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है खेकड़ा रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों इधर भी एक ट्रेन खड़ी हुई है, इसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर दे दूंगा मैं। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, ये देखिए गाइस मजा आ रहा है मौसम का पूरा। इधर देखिए गाइस बादल, बारिश का मौसम बन चुका है पूरा। भाई ये ट्रेन तो वैसे ही खड़ी है बीच वाले ट्रैक पर, उधर से एक ट्रेन और आएगी, अभी क्रॉसिंग होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है अभी। तो उधर से 01619 ट्रेन आने वाली है, ये ट्रेन टाइम से पहले ही आ गई है खेकड़ा रेलवे स्टेशन पर, 6:05 हो रही है अभी, और इसका चलने का टाइम है 6:10 का। तो हम सोच रहे थे कि क्रॉसिंग होगा, लेकिन गाइस यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं होएगा, क्रॉस होएगा लोनी रेलवे स्टेशन पर। तो गाइस देखिए कितनी तेज बारिश आ गई है, और सामने देखिए बंदर भी बेचारा भीग रहा है बारिश में भाग पड़। तो भाइयों प्रियांशु ने बहुत गजब की बात कही है यहाँ, प्रियांशु कहने हैं कि जब तक इस रूट पर डबल लाइन नहीं होने की यही दिक्कत रहेगी ट्रेन। अब हम पहले सोच रहे थे कि यहाँ पर क्रॉस नहीं होने का, लेकिन ट्रेन रुकी हुई है तो उसका मतलब क्रॉस होगा। तो भाई ये प्रॉब्लम जब तक रहेगी जब तक डबल लाइन नहीं होने की। अब प्रियांशु कह रहा भाई जब तक डबल लाइन होएगी इस रूट पर तब तक हमारी डबल लाइन बोलेगी, मतलब हमारी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उधर से ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए पूरी तो नहीं दिखा सकते, और ये तुरंत चल दी है अपनी ट्रेन की, ये देखिए तुरंत ही चल दी है अपनी ट्रेन की। तो गाइस बीच में ये वाली ट्रेन खड़ी है, इस वजह से वो वाली ट्रेन तो नहीं दिखा पाए हम आपको, साथ में अपनी ट्रेन भी यहाँ से चल दी है। साथ
गाइस टाइम हो चुका है सुबह 7:28 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली सादरा जंक्शन स्टेशन पर। तो यहां पर काफ़ी सवारी उतरी हुई है, ट्रेन भी लगभग खाली हो गई है। यहां तो कुछ है ना, आ सकती है।
तो गाइस ये आ चुका है यमुना रिवर का पुल। रिवर यमुना यमुना रिवर गाइस। टाइम हो चुका है सुबह 8:13 और अपनी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है, कम से कम आधा घंटा लेट हो चुकी है ये दिल्ली पहुंचने में। और गाइस ये अभी आप देख सकते हैं, अभी जो ये यमुना का पुल है यहाँ पर खड़ी हुई है अपनी ट्रेन काफ़ी देर से।
गाइस ये आ चुका है लाल किला। पुरानी दिल्ली स्टेशन आने वाला है। ध्यान से यही कर ले। गाइस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है अपनी ट्रेन। डीएमई आ रही है इधर से, इसे क्रॉस करने के बाद निकल जाएगा। दस वाली निकल गई वहां से, वो दस वाली निकल गई लाल वाली। अब एक और आ रही है उसके पीछे। वो ऐसी वो छह पे पहुंचेगी। गाइस ये है अपनी ट्रेन। पहुंच चुकी है दिल्ली जंक्शन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली जंक्शन पर, मैं और प्रियांशु। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, बहुत लेट आई है ट्रेन, एक घंटा लेट कम से कम चल रही है। बहुत आगे तक जाएगी ये। समय हो चुका है 8:16, 8:27 और हम अपनी ट्रेन काफ़ी लेट पहुंची है यहाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो गाइस आपको यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर कमेंट लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और गाइस इसके बाद हमारा लाल किले का भी व्लॉग आएगा, तो वो भी आप जरूर देखना। मिलते हैं गाइस फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।